तो प्रोजेक्टाइल के ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ, जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो उठाते हैं पहला क्वेश्चन और देखना क्या था पहला क्वेश्चन, समझो पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो बस। एक हमारे पास एक पर्सन था, वो किसी गाड़ी में जा रहा था, ठीक, ओपन कार थी, ओपन कार में वो जा रहा था, कार चल रही 10 मीटर पर सेकेंड पे। तो 10 मीटर पर सेकेंड पे चलते हुए किसी गाड़ी में जा रहा था, तो उसके सामने ना एक उसको होल दिखाई देता है, हूप कहा गया, हूप का मतलब होता है होल, जैसे टायर होता है ना, टायर जैसा मान लो, तो टायर जैसा होल कुछ उसको नज़र आता है। उसका दिमाग घूम जाता है, वो सोचता है कि उसके पास एक बॉल थी, क्यों ना इस बॉल को इस हूप में से फेंका जाए। ठीक, गाड़ी में बैठे बैठे वो जा रहा था, उसको ऊपर नज़र आता है कोई टायर जैसी चीज़ टंगी हुई है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचता है कि एक बॉल लेते हैं और इसके होल के बीच में से फेंकते हैं। तो वो उस होल के बीच में से बॉल को फेंकना चाहता है, ठीक, और वो क्या करता है, उस होल के बीच में से बॉल को फेंकने के लिए अपने रिस्पेक्ट में, मतलब अपने ही रिस्पेक्ट में, अपने हिसाब से बॉल को 12.5 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। 12.5 मीटर पर सेकेंड से बॉल को वो अपने हिसाब से अपने रिस्पेक्ट में फेंक देता है, इस तरीके से कि बॉल जब उस हूप को पार करती है तो वो हॉरिजॉन्टली होती है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली निकलती है। और एक और बात इसमें बोली गई है कि वो जो हूप है वो ज़मीन से 5 मीटर ऊंचाई पे है, वो जो बॉल है, जो होल है, वो टायर जो है वो ज़मीन से 5 मीटर ऊंचाई पर है, उसके बीच में जब बॉल निकलती है तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, और बॉल को फेंका गया है 12.5 मीटर पर सेकंड पे अपने हिसाब से, और वो खुद चल रहा है गाड़ी में बैठ करके 10 मीटर पर सेकंड पे। सवाल आपसे ये है कि कितना देर पहले कितना टाइम पहले वो बॉल को फेंके कि वो ये कंडीशन फॉलो हो जाए। दूसरी कहानी है, दूसरा पॉइंट है, कितना दूर वो बॉल को फेंके, मतलब एक तो पहले टाइम बताओ कि कितना, 5, 7, 10 सेकंड, कितना देर पहले वो ये काम करे, गाड़ी है निकल जाएगी नीचे से। दूसरा ये बात है कि कितना दूर पहले, कितना डिस्टेंस पहले वो बॉल को फेंके, यानी कि एक्स और टी दोनों पता करने हैं आपको, कितनी देर पहले वो ऐसा काम करे कि ये हो जाए। ठीक है, तो देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ये हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन इस बात को बताता है कि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला पे नहीं चलेगा, वो फॉर्मूला सोल्व नहीं हुआ करता, वो कॉन्सेप्ट सोल्व हुआ करता है। ये उस बात के बारे में फिर से एक बात बता रहा है। तो देखते हैं, करता हूं मैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जो जो बातें हमको पता है, देखो थीटा नहीं मालूम कितना एंगल फेंका गया, तो थीटा कुछ भी रहा हो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं वो एंगल थीटा है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन दिमाग आपने सही लगाया, आपको ये पहली बारी में ही सोल्व हो जाएगा और ये मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लेगा, ज़्यादा लेगा भी नहीं। ये हो गई वेलोसिटी बॉल की उसके रिस्पेक्ट में। तो इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, जो उसने 12.5 मीटर पर सेकंड फेंका है वो यूँ फेंका है, उसके 12.5 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक 12.5 कॉस थीटा नीचे और एक 12.5 साइन थीटा ऊपर। ठीक है, 12.5 कॉस थीटा नीचे, तो 12.5 कॉस थीटा नीचे और 12.5 साइन थीटा ऊपर, ये हो गया ऊपर वाला कंपोनेंट। और जो कार की वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल ही थी पहले से, उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, तो कार उड़ेगी थोड़ी ना, कार तो चलेगी ना सड़क पे, अगर कार चलेगी तो कार की पहले से वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वाली है। ठीक, तो कार के कंपोनेंट नहीं होंगे, कार के कंपोनेंट डायरेक्टली पहले से कार की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है। तो कुल मिला करके उस बंदे की खुद की पहले एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी कितनी, 10, और अब उसने एक नई वेलोसिटी दी है उस बॉल को 12.5 कॉस थीटा, यानी टोटल उस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई वो 12.5 कॉस थीटा प्लस 10 हो गई, 12.5 कॉस थीटा प्लस 10 हो जाती है बॉल की टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी शायद बताया होगा, जब भी किसी चीज़ को हम अपने रिस्पेक्ट में थ्रो करते हैं या अपने हिसाब से थ्रो करते हैं तो उसे अब हमारी चीज़ तो मिलती ही है, और जो एक्स्ट्रा हम देते हैं वो थ्रो करने वाली वो बात भी मिलती है। ठीक, तो इसको दो वेलोसिटी मिल गई, एक हॉरिजॉन्टल 10 और एक 12.5 कॉस थीटा, तो नेट हॉरिजॉन्टल तो हो गई 12.5 कॉस थीटा प्लस 10 बॉल की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई है। ये 12.5 कॉस थीटा किसके रिस्पेक्ट में है, उस कार के रिस्पेक्ट में है, और ज़मीन के हिसाब से कितनी होगी, 12.5 कॉस थीटा प्लस 10, और वो 12.5 साइन थीटा ही रही वर्टिकल वाली। अब देखो आगे मैंने सोल्व किया इसको, जो एक्स बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है तो उसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, वही तो एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस क्या, जितनी देर के बाद वो वहाँ पहुँचेगा उसे टी मान लिया, वो हमारा एक्स हो गया। अब बात करें थोड़ी वर्टिकल के बारे में, बात कर लेते हैं वर्टिकल में। अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही लगाते हैं तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 एस
u कितना है वर्टिकल में, 12.5 साइन थीटा, और वो ऊपर ही था तो इंटू टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी तो नीचे है, तो सिंपल इक्वेशन हमने लगा दी। उसके बाद क्या किया, एक और बात हमको पता है, एक और कंडीशन उसने दी है, ढूंढते रहो चीज़ों को जब तक वेरिएबल पूरे ना हो जाए, इक्वेशन पूरी ना हो जाए, तो ढूंढते रहो। देखो यहाँ पे क्यों ढूंढे हम और आगे, इसलिए ढूंढे क्योंकि हमको थीटा नहीं पता और एक और बात है टाइम नहीं पता, दो वेरिएबल हैं, है ना, एक इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल हैं, ये परेशानी है। हाँ एक और इक्वेशन है मेरे पास ऊपर, लेकिन उससे एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा आता है, यानी कुल मिला के इक्वेशन दो हैं वेरिएबल तीन हैं। और आपको शायद मैंने पहले बताया होगा ये बात भी कि जब तक वेरिएबल ज़्यादा रहेंगे इक्वेशनें कम रहेंगी वो सोल्व नहीं हो सकती, पंगे मत लो, कुछ और कॉन्सेप्ट ढूंढ लो, तो बेकार मीन्स इनको उलझोगे टाइम वेस्ट करोगे, फायदा नहीं है, पहले गिन लो बराबर हैं तो बराबर हैं या इक्वेशनें ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ट्राई करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो हम पहुंच गए भाई, ये तो अभी इक्वेशनें और चाहिएंगी, तो और कोई कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, कोई कंडीशन पे सोचो जिस पे इक्वेशन बना सकते हैं। उसने एक और कंडीशन दी है कि जब वो पास करेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, इस पे काम करते हैं कि जब वो पास करेगा तब वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि टी टाइम के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई, क्योंकि टी टाइम के बाद वहाँ हिट कर रहा है ना वो, तो टी टाइम के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, खत्म। यानी उसके अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन यूज़ की जाए तो उसमें जो इक्वेशन है हमारे पास v वो तो जीरो हो गई है, और a कितना था, u कितना था, 12.5 साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, क्योंकि g नीचे था और टी ऊपर था, ये भी सब मैंने वर्टिकल में लगाया है समझे, क्योंकि t टाइम के बाद तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल कब होगा जब वर्टिकल ना बचे, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ से एक और इक्वेशन मुझे मिली। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से अगर आप इक्वेट करो तो आपको डायरेक्ट जी टी मिल जाएगा, और अगर आप इस इक्वेशन में इस 12.5 को साइन थीटा की जगह पे 12.5 साइन थीटा जी टी आ गया ना, इसकी ये जगह उठा के पूरा एग्जैक्टली जी टी रख दो, ये जी टी बन गया, तो कितना बन जाएगा, जी टी स्क्वेयर माइनस जी टी स्क्वेयर बाय टू, डायरेक्ट क्या आया, जी टी स्क्वेयर बाय टू, जी टी स्क्वेयर माइनस जी टी स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और यहाँ से 2 गया 10, 10 जी से कट गया, टी के वैल्यू कितना गया 1 सेकेंड। इक्वेशन सोल्व करना मैथमेटिक्स वो एक कलाकारी है, वो एक आर्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसको सीखोगे, उतना ज़्यादा निखरेगी आपकी वो आर्ट जितना उसकी प्रैक्टिस की जाएगी, और बस यहीं से स्पीड बनती है और कोई तरीका नहीं है। सोल्व आपसे भी हो जाएगा लेकिन आप 20 या 30 मिनट से ले लोगे, अगर आपने 20 या 30 मिनट लिए हैं फिर आपने सोल्व नहीं किया, फिर आपने क्वेश्चन बर्बाद किया है, कहानी खत्म हुई, टाइम मिल गया 1 सेकंड के बाद, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, क्या करना है, टाइम पता है हमको 1 सेकंड है। अच्छा हाँ देखो अभी थीटा नहीं मालूम तो थीटा निकालते हैं पहले, क्योंकि इसमें एक्स निकालने के लिए दो वेरिएबल चाहिएंगे, टी चाहिएगा, थीटा चाहिएगा, कॉस थीटा चाहिएगा, तो पहले थीटा भी पता करना पड़ेगा, टाइम तो मिल गया चलो 1 सेकंड, तो इस इक्वेशन को वापस पुट करो टी इक्वल टू 1 को इसी में जहाँ से हमने जी टी निकाला था, और जी इक्वल 10 रखते हुए 10/12.5 साइन थीटा निकाल दो। अब साइन थीटा को इसको पूरा डेसिमल में मत काटो, जितना फ्रैक्शन तक जाता है वहाँ तक जाने दो, ये भी आर्ट है, आप धीरे धीरे सीखोगे। तो ये 4/5 आ गया साइन थीटा, कितना आया 4/5 हो गया साइन थीटा हमारा, जो 4/5 साइन थीटा बना है, यहाँ से अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा कि बेस कितना आ जाएगा 3, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया 3, तो कॉस थीटा कितना बना 3/5। अब वापस इक्वेशन में आओ, वैल्यूज रखो, ऐड करो, डायरेक्ट मिल जाएगा कि 17.5 मीटर पहले अगर वो ये काम करे तो वो उसकी जो कंडीशन है वो अचीव हो जाएगी, बॉल उसमें से पार हो जाएगी। ठीक है, था ना बढ़िया क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट होते हैं बस, आप इनको मजबूती से पकड़ लो, चीज़ें हर क्वेश्चन सोल्व होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सोल्व ना होता हो। तो एक और क्वेश्चन जो मैं अभी लेकर के आया हूँ आपके लिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है, और फिर से वही जब दिमाग काम करेगा तब सोल्व होगा, उसके बगैर सोल्व नहीं होगा। तो एक एलिवेटर, बहुत बड़ा सा एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब क्या होता है, लिफ्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिफ्ट है, ऐसा मान लो, उन्होंने कहा भैया मानना पड़ेगा लिफ्ट छोटी सी होती है, पर उन्होंने कहा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिफ्ट है, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत दूर तक फैली हुई है ये लिफ्ट, ना ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऊपर उठती जा रही है, यानी कि स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी। तो एक वक्त आया जब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, तो उस वक्त उसमें लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा था, उसने क्या किया, उसकी हाइट छोटी माननी है, मतलब ये मत माना कुछ हाइट थी उसकी, इग्नोर करो उसकी हाइट को, तो एक बॉल को थ्रो किया गया 30 डिग्री के एंगल पे लिफ्ट के अंदर खड़े होकर के, जब वो लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड पे थी तो एक बॉल को थ्रो किया गया और वो बॉल भी 4 मीटर पर सेकंड पे फेंकी गई, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड पे, ग्राउंड मतलब लिफ्ट का फ्लोर जो है, तो लिफ्ट का जो फ्लोर है उस जमीन के हिसाब से उसे 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया ऊपर। तो सवाल आपसे ये है कि कितनी देर के बाद वो लिफ्ट पे गिरेगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उस बॉल का उस लिफ्ट के अंदर।
अगर उसे 4 मीटर पर सेकंड पे 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया जाए तो। अब देखो आपने फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट का वो जो फॉर्मूला हमने याद करके 2u sin θg लगाया वो सोल्व नहीं होगा। अब आप देख भी रहे होंगे लगभग मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं इस पर, क्या कोई ऐसी जगह मिली है आपको जहाँ वो यूज़ हुए हों? कहीं यूज़ नहीं होते फॉर्मूले डायरेक्टली, बहुत रेयरली कभी आता है, उसमें ग्राफ व्राफ उल्टा टेढ़ी चीज़ करा देते हैं उस पर जब भी करवाएंगे वो, तो चीज़ यूज़ होती है कॉन्सेप्ट। काइनेमेटिक्स की खास बात है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आता है इसमें, बच्चे फॉर्मूले रटते रहते हैं उससे मिलता कुछ नहीं। हाँ स्कूल में नंबर आ जाएंगे पूरे 100 में 100, वहाँ नंबर ले खुश हो तो खुश रह जाओ। अब ये क्या हुआ, इसको फेंका गया। देखो कहानी क्या है यहाँ पे कि इस बार वो ग्राउंड पे नहीं गिरेगी, ग्राउंड पे गिरेगी लेकिन ग्राउंड का लेवल वो सेम नहीं होगा। जब आपने इसको यहाँ से फेंका तो वो जब तक ज़मीन पे लौटेगा उस वक्त तक उसका खुद की ज़मीन ऊपर आ चुकी होगी, यानी कि लिफ्ट थोड़ी ऊपर जा चुकी होगी, तो वो गिरेगा यहाँ पे, टप्पा वो यहाँ पे खाएगा। तो अगर इस मोशन को पूरा स्टडी किया जाए तो वो शुरू यहाँ से हुआ है लेकिन ख़त्म यहाँ पे हुआ, यानी उसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, जो मान करके हमने वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल रखा है 2u sin θg वाला, कि वो जिस लेवल से फेंका जाए उसी लेवल पे गिरे। अगर ये नहीं गिरा, ये जिस लेवल से फेंका गया उससे थोड़ा ऊपर गिरा, तो अगर ऐसा हुआ क्योंकि लिफ्ट ही खुद ऊपर चली गई तो वो कहाँ गिरेगा, तो फिर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हाँ कॉन्सेप्ट तो हमारे काम करते रहेंगे। तो पहले तो ये पता करते कि कितना ऊपर गई है लिफ्ट उस टी टाइम में, तो लिफ्ट उन देर में कितना ऊपर जाएगी वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, s = ut + ½ at² किसके लिए, लिफ्ट के लिए लगाया। और देखो लिफ्ट के लिए यू कितना है उस टाइम पे जब फेंका गया, 4 था, 4 से चल रही था लिफ्ट, तो लिफ्ट उस टाइम पे 4 से चल रही थी, (T) माना मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट, ½ 2t², क्योंकि एक्सेलेशन इसकी ऊपर ही है, तो यहाँ पे एक्सेलेशन 10 फुट नहीं होगी, वो 10 तो तब होती जब वो हवा में चल रहा हो, तो लिफ्ट हवा में नहीं चल रही, सो लिफ्ट तो अपनी एक्सेलेशन चल रही है, उसको रस्सियाँ खींच रही हैं, वैसे फ्री फॉल नहीं हो रहा लिफ्ट का, उसको रस्सियाँ खींच रही हैं, रोप से उसको ऊपर खींचा गया होगा। इसकी एक इतना फुट होगा 2, काटा हमारे पास h आ गया 4t + t², इसकी कहानी ख़त्म हुई, h मालूम है। अब देखो इतनी ही डिस्प्लेसमेंट बॉल की है, रास्ता अलग हो सकता है लेकिन बॉल की डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, लेकिन पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो पता करें, ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह यहाँ पर भी बॉल को एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिलेगी लेकिन सिर्फ वर्टिकल में, क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर जा रही है ना, तो एक तो 4 sin θ उसका कॉम्पोनेंट बना, 4 sin θ लिफ्ट का अपना एक कॉम्पोनेंट, सॉरी बॉल का अपना एक कॉम्पोनेंट बना, वो 4 sin θ से 2 m/s आएगा, sin θ 1/2 होता है, तो 2 m/s तो उसको वो वेलोसिटी दी गई जिससे उसको ऊपर फेंका गया था, साथ ही साथ वो जो वेलोसिटी थी उसमें बोला गया था कि वो फ्लोर के रिस्पेक्ट में थी, अगर मैं नेट निकालूंगा तो 6 आएगी। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो यहाँ पे करता हूँ, जो दिया गया है वो वेलोसिटी ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, वो 2 है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इसमें, सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल तो क्या थी ओरिजोनटल, सॉरी टोटल तो 4 थी लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कितना उसका खाली 2 है। अब इसको मैं अगर थोड़ा ओपन करूँ तो ये ub - uf बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोर, ठीक = 2 बनेगा, वर्टिकल की सारों की बात हो रही है और फ्लोर की वेलोसिटी वर्टिकल में ही 4 है, तो उधर गया तो कितना बनेगा 6 m/s। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि जो बॉल है वो इनिशियली अपवर्ड 6 m/s पर जाएगी। अब आगे कहानी इसकी भी सेम, s = ut + ½ at², इसके भी लगाया लेकिन इसकी एक्सेलेशन जी है, क्योंकि इसका ये अब एक बार लिफ्ट के कॉन्टैक्ट से हटने के बाद ये अब हवा में चल रही है ना, बॉल जब एक बार लिफ्ट के कॉन्टैक्ट से हट गई उसके बाद बॉल की एक्सेलेरेशन फिर लिफ्ट वाली नहीं है, जब तक तभी तक होगी वो जब तक लिफ्ट के कॉन्टैक्ट में वो रहेगी, अब वो तो हवा में उड़ रही है ना, तो उसकी एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी जी, उसे पुट करो और ये डिस्प्लेसमेंट जिसमें दोनों बराबर हैं इक्वेट करो, काटो पीटो, टाइम डायरेक्ट आएगा 1/3 s। था ना ईजी, लगाना ईजी, ईजी बाद में लगेंगी चीज़ें लेकिन पहले दिमाग लगाना सीखो, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि ये कैसे लागू होता है, और वो प्रैक्टिस से आएगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा, और जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लोगे तो वो बंदे को लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आती। जो बंदा फॉर्मूलों पे चलता है ठीक, वो बंदा लास्ट तक रट्टे मारता रहता है और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती, पेपर आसान आ जाए तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन पेपर थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो डूब जाता है। तो अगर आपको बढ़िया से स्कोर करना है और पूरे कॉन्फिडेंस से स्कोर करना है तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ चलो, आपके सारे काम हो जाएंगे।